हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मात्र सिर्फ 30 ml जूस पी के अगर आपको मैं कहूं कि आप बहुत फिट रह सकते हैं तो आपको यकीन होगा? नहीं होगा ना। दोस्तों आज की वीडियो इसी के ऊपर है। एक ऐसा जूस जो हमारे घर में मौजूद होता है, जो आपके घर के गार्डन में भी उपलब्ध होता है, और ये बहुत ही गजब का होता है। इसके ढेरों फायदे हैं और ये आपके सर से लेकर पैर तक की बीमारियां दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एलोवेरा की। जी दोस्तों, एलोवेरा दिखने में भले ही छोटा सा पौधा होता है, लेकिन इसके जो गुण होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। और बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके चेहरे के स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सुंदरता के लिए, स्किन के हेल्थ के लिए। दोस्तों उसके अनेकों फायदे हैं। एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो कि आपके लिए बहुत गजब की चीज है। मात्र सिर्फ अगर आप 30 ml यानी कि एक ढक्कन अगर आप एलोवेरा जूस पीते हैं डेली, तो दोस्तों ये आपके जीवन में बदलाव लाएगा ऐसा कि आप वाकई चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जिसे हिंदी में धृतकुमारी कहा जाता है, इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं, और दोस्तों ये इंडिया में हर जगह पाया जाता है। एलोवेरा जूस के बेनिफिट्स ऐसे हैं कि इसमें विटामिन, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे बहुत से पोषण तत्व मौजूद होते हैं, और ये आपको बहुत सी गंभीर बीमारी से लेके छोटी मोटी प्रॉब्लम से भी आपको बचाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप पूरा फायदा प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर यह है एलोवेरा जूस, ये है जीवा का। आपको जो मार्केट में मिल जाए आप वो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी अच्छी क्वालिटी है, आपको ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना पतंजलि का और मार्केट में बहुत से एलोवेरा जूस उपलब्ध हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको दिखाता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है आपको। एलोवेरा जूस आपको लेना है, इसको खोल लीजिए। उसके बाद इसके साथ एक ढक्कन मिलता है जिसमें मार्किंग होती है, और इसमें करीब देख सकते हैं आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो करीब 30 ml के करीब हमें लेना होता है। तो चलिए भर लेते हैं इसे। ये रहा, तो हमने इसे ऊपर तक भर लिया है, 30 ml की मार्किंग है, हमने वहाँ तक ले लिया है। तो हमारा जूस ये तैयार है। इस जूस को दोस्तों हमें इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले हमें लेना है करीब 1 glass गुनगुना पानी। जी तो 1 glass आप गुनगुना पानी ले लीजिए, और उसके अंदर हमें एलोवेरा जूस को मिलाना है। कमाल का टेक्सचर है इस पानी का, और दोस्तों इसका स्वाद हल्का हल्का खट्टा सा होता है, और बड़ा ही अच्छा स्वाद होता है एलोवेरा जूस का। आपको पीने में कभी दिक्कत नहीं होगी इसकी। इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छे मात्रा में मौजूद है। अब आपको करना यह है कि आपको इसे चम्मच के में से थोड़ा सा हिला लीजिए, ये आपका एलोवेरा जूस तैयार हो गया है। अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप इसमें हल्का सा आधा चम्मच के करीब शहद मिला सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको डायबिटीज है तो प्लीज शहद ना मिलाइए। दोस्तों एलोवेरा जूस आपके लिए सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहला फायदा जो होता है आपको, ये दोस्तों वेट लॉस में होता है बहुत गजब का फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा है कई लोग मोटापे से परेशान होते हैं, और ये होता यह है क्योंकि उनके लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदतें कुछ सही नहीं होती हैं, जिस कारण हमारे देश भर में करीब 5-10% लोग मोटापे के शिकार हैं। तो दोस्तों ऐसी हालत में अगर आप एलोवेरा जूस का सेवन करते हैं तो ये आपके मोटापे कम करने में हेल्प करता है, साथ ही जो आपके शरीर में जमा हुआ फैट है उसे तेजी से जलाता है, यानी कि बर्न करता है, और ये आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसे जमने नहीं देता, जिस कारण एलोवेरा आपके डायबिटीज और मोटापे के जितने भी शिकार लोग होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बहुत बूस्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है अक्सर मौसम में बदलाव होने की वजह से कई लोग वायरल फीवर, बुखार जैसी समस्या से जूझ जाते हैं, ऐसे में अगर आप एलोवेरा का सेवन डेली करते हैं, एलोवेरा आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाता है। एलोवेरा से आपके बॉडी में दोस्तों एनर्जी बनती है, जिस कारण ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। जी हाँ डाइजेशन के लिए बहुत गजब की चीज एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा के अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, और अगर आपका पेट ज्यादा खराब होता है तीखा मिर्च मसालेदार खाना खाने से, तो दोस्तों ऐसे में अगर आप एलोवेरा का जूस पीते हैं तो ये आपके पेट की चाहे कब्ज की शिकायत हो या एसिडिटी की शिकायत, सबको दूर करता है। दोस्तों एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो आपके पेट के लिए वरदान है, और ये आपके पेट की अग्नि को ठंडा करता है, साथ ही आपके पेट को बहुत आराम देता है, और आपके पेट को जो डाइजेशन की जो समस्या होती है उनको दूर करता है। दोस्तों सूजन में है बहुत फायदेमंद एलोवेरा जूस। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा है ओल्ड एज में काफी लोगों को जोड़ों में दर्द, गठिया की शिकायत,
या फिर मैं कहूँ जोड़ों में सूजन आ जाती है, बॉडी में सूजन आती है, तो ऐसे में दोस्तों ये होता यह है कि आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं। जब फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी पर असर करते हैं तो आपके बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचता है, जिस कारण अगर आप एलोवेरा जूस पीते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण ये आपके सूजन को कम करता है और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो प्लीज आप एलोवेरा जूस सेवन करें। दोस्तों गठिया के लिए बहुत फायदेमंद एलोवेरा जूस। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती उम्र में अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है, उसके शिकार हैं और आपको जोड़ों का दर्द बहुत सता रहा है, तो ऐसे में एलोवेरा जूस आप पीजिए। इससे आपके जोड़ों के दर्द में काफी फायदेमंद आपको साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, एक अध्ययन के मुताबिक एलोवेरा जूस अगर आप पीते हैं तो ये आपके ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए बहुत कारगर है। हालांकि दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि जब आप ये जूस पियेंगे तो आपको दोस्तों आपके जो भी हड्डियों के दर्द है उससे भी बहुत राहत पहुंचेगी। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है एलोवेरा जूस। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत है तो उनके बॉडी में जो भी जमा हुआ एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि मोटापे की शिकायत, उसको दूर करता है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा के सेवन से कोलेस्ट्रॉल की परेशानियां कम होती है और एक स्टडी के द्वारा पाया गया है कि जो लोग एलोवेरा जूस पीते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम कर पाते हैं, जिस कारण वो हमेशा हेल्दी बने रहते हैं। जी दोस्तों, दिल के लिए बहुत फायदेमंद है एलोवेरा जूस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज के टाइम पर दिल की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, अगर ऐसे में आप एलोवेरा जूस पीते हैं तो उसके मुताबिक जो दिल की बीमारी की समस्या है वो करीब आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी और आपको उससे बचाव मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा के अंदर बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो आपके दिल की बीमारी को रोकता है और ये आपके हार्ट को अच्छे से सुचारू रूप से काम करने में हेल्प करता है। जी तो दोस्तों, अगर आप एलोवेरा जूस पीते हैं तो प्लीज इसको जूस को पीजिए और अपने आप को हार्ट की बीमारी से बचाइए। दोस्तों डायबिटीज के लिए है बेहद फायदेमंद एलोवेरा जूस। दोस्तों आम दिनों में आपने देखा है डायबिटीज, हर घर में एक ना एक इंसान होता ही है डायबिटीज का मरीज, और इसकी चपेट में आ ही जा रहे हैं, बच्चे तक चपेट में है डायबिटीज के। तो ऐसे में दोस्तों डायबिटीज से बचने के लिए अगर आप अपने खाने पीने में एलोवेरा जूस को सेवन करते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग एलोवेरा जूस पीते हैं तो उनको टाइप 2 डायबिटीज से बचाव मिलता है और ये आपको टाइप 1 डायबिटीज वाले मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जी हाँ, तो हर लिहाज से आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए एलोवेरा जूस बहुत फायदे की चीज है। दोस्तों मुंह की दुर्गंध के लिए भी एलोवेरा जूस गजब की चीज है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा है कि मुंह में दुर्गंध आना अक्सर बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। अगर आप एलोवेरा जूस पीते हैं तो आपके मुंह के लिए, यानी आपके लिए माउथ के लिए, ये माउथ वॉश का काम करता है। तो ऐसे में इसका कोई साइड इफेक्ट में नहीं, आपके मुंह में जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और आपके जो मुंह की गंदगी है, मसूड़ों में जो सूजन है वो भी खत्म हो जाती है। तो एलोवेरा में मौजूद जो एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं ये आपके दांतों के सड़न को, जो पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको रोकता है, साथ ही आपको हमेशा हेल्दी रखता है। दोस्तों एलोवेरा सर्दी जुकाम और छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन के लिए भी गजब की चीज है। जी हाँ दोस्तों, सर्दी जुकाम होने पर आमतौर पर लोग सिरप पीते हैं, है कि नहीं, और सिरप पीने से कई बार उन्हें फायदा होता है, कई बार नहीं भी होता। तो उससे बेहतर यह है कि आप दोस्तों बीमारी को दूर करने के लिए नेचुरल रूप से सहारा लें, यानी कि नेचुरल चीज़ें पीजिए और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलोवेरा जूस। सर्दी होने पर एलोवेरा जूस काफ़ी फायदेमंद होता है। बदलते मौसम के लिए भी अगर आपको सूखी खांसी या फिर किसी भी तरह के गले में खराश या फिर जैसे कि आजकल बहुत से इन्फेक्शन फैल रहे हैं, कोई भी शिकायत आपको महसूस होती है तो अगर आप एक गिलास पानी में करीब 30 ml एलोवेरा जूस मिलाइए और 1 से 2 चम्मच शहद मिलाइए, और अगर आप इस मिश्रण को पीते हैं 1 से 2 दिन तो आपकी चाहे सूखी खांसी हो या फिर कैसे भी खांसी वो दूर हो जाती है और आपको बहुत फायदा होता है। दोस्तों कब्ज के लिए है बहुत फायदेमंद एलोवेरा जूस। जी हाँ दोस्तों, पेट से जो भी चाहे कैसे भी समस्या हो, एलोवेरा जूस बहुत फायदेमंद चीज होती है। आजकल जैसा कि देखा गया है, लोग चटपटा खाना और मिर्च मसालेदार खाने खाने की वजह से अक्सर पेट से जुड़ी बीमारियों से जूझते हैं, कब्ज की शिकायत भी हो जाती है, बदहजमी होती है, गैस की शिकायत होती है। दोस्तों इन सभी शिकायतों के लिए एलोवेरा जूस बहुत फायदे की चीज है। एलोवेरा जूस अगर आप पीते हैं तो ये आपके पेट की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करता है, साथ ही आपको और भी बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जिस कारण आपको कभी भी डाइजेशन की समस्या नहीं होती है और आप हमेशा हेल्दी बने रहते हैं। दोस्तों ये सब तो आप सोच रहे होंगे भाई फायदे तुमने बता दिए, ये तो बता दो कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। एलोवेरा जूस को सबसे पहले आपको करना यह है कि एक गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए और उसके अंदर करीब 30 ml एलोवेरा जूस मिलाइए और इस घोल को, इस मिश्रण को आप पी जाइए। अगर आपको थोड़ा टेस्ट चाहिए, यानी कि आपको ये थोड़ा फीका लग रहा है, तो आप इसमें
एक से आधे चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। और लेकिन जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको मैं कहूँगा कि आप शहद ना मिलाइए, आप ऐसे ही पी जाइए। दोस्तों ये बेस्ट तरीका है सुबह सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस पीने का। अगर आपको सुबह टाइम ना मिल पाए तो आप शाम को भी पी सकते हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि आपका पेट खाली होना चाहिए, तो उसके लिए आप खाना खाने से एक घंटा पहले पी सकते हैं या फिर अपने हिसाब से जब भी आपका पेट खाली हो, ठीक है। तो दोस्तों ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं एलोवेरा जूस की, दोस्तों ये बहुत काम की हैं। और अगर आप एलोवेरा जूस पीते हैं इस मौसम में या फिर किसी भी मौसम में, तो आपको दोस्तों फायदा पूरा होगा और आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो दोस्तों ये तो रहे फायदे और कमाल की बातें एलोवेरा जूस के बारे में, लेकिन कुछ बातें ध्यान देने की हैं। और उनमें सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको थोड़ी सी भी एलर्जी है एलोवेरा जूस पीने से, तो प्लीज आप एलोवेरा जूस पीने से बचें। दूसरी चीज, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर जो भी ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाएं यानी कि स्तनपान करने वाली जो महिलाएं हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि आप एलोवेरा जूस ना लें और इससे इसको पीने से आप बचें। बाकी सब लोग, चाहे बुजुर्ग हो जवान हो, सब लोग एलोवेरा जूस पीजिए, इससे फायदा उठाइए। दोस्तों ये सेहत का खजाना है और ये आपको बहुत फायदा देगा। दोस्तों साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज हमें पूछिए। और आज के जो लकी व्यूअर्स जो जिन्होंने हमें कमेंट किया वो स्क्रीन पर ये हैं। जी दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हमारे चैनल के स्क्रीन पर आना, तो दोस्तों हमें कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को और जो हैशटैग वैद कुमार का यूज करें। जी दोस्तों, आप सभी ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू दोस्तों।